बागेश्वर में आज अंबेडकर जनजागृति समिति ने जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को ज्ञापन भेजा है। इस दौरान अंबेडकर जनजागृति समिति के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने कहा कि नए नव निर्माणाधीन संसद भवन का नाम अंबेडकर के नाम पर रखा जाए, साथ ही नए करेंसी नोटों पर बुद्ध की फोटो प्रदर्शित की जाए। अंबेडकर जनजागृति समिति ने कहा कि संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण के साथ साथ देश के विकास में अहम योगदान दिया है। उन्हीं के सराहनीय कार्यों को देखते हुए अंबेडकर जनजागृति समिति नए निर्माण हो रहे संसद भवन का नाम उनके नाम पर रखने की मांग करती है। हम कुछ लोग जो हैं अंबेडकर जनजागृति समिति के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने ये मांग किया है कि जो नया नव निर्मित जो संसद भवन बन रहा है उसको जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम में रखा जाए। दूसरा, फिर कई लोग कह रहे हैं कि जो नए नोट जो करेंसी छप रही हैं उनमें जो है कोई कहते हैं कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हो, कोई कहते हैं कि गांधी की या कोई उसकी कह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अंबेडकर जनजागृति समिति ये माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करना चाह रही है कि उसमें भगवान बुद्ध जी जो कि उनकी तस्वीर होना चाहिए उनके उसमें ये छापा जाए करके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अंबेडकर जनजागृति समिति की ये मांग है कि एक तो संसद भवन जो नया बन रहा है वो बाबा साहब संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम में रखा जाए। CCN न्यूज के लिए बागेश्वर से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट।